व्हाट्स गुड पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सब लोगों को माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले 2 हफ्तों के लिए मैं गायब हो गया था, उसलिए एक्चुअली मैंने दोनों हफ्तों के लिए मैंने शूट करना ट्राई किया। मैंने 70-80% ब्लॉग शूट कर लिया था, फिर भी समहाउ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है एडिट के लिए वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटाइज चीजें जो थी वो मेरी ट्रेनिंग और मेरा डाइट था, और ये पूरा जर्नी है मेरा, तो मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया और थोड़ा सा व्लॉगिंग को कम प्रायोरिटाइज किया। ये है मेरा सेकेंड मील और सबसे इम्पोर्टेंट मील मेरे वर्कआउट के लिए, क्योंकि जब मॉर्निंग का कार्डियो रहता है वो तो खाली पेट ही हो जाता है। उसके बाद मैं आके ओट्स खाता हूँ, प्रोटीन पीता हूँ, उसके बाद ये मेरा मील रहता है जो सबको पता ही है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो ऑलमोस्ट 3 महीनों से, जब से भी मैंने ये चीज स्टार्ट की थी तब से ये मील ले रहा हूँ। 3 महीने हो गए, ये तीनों महीनों में मैं ये सेम मील खा रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम, यही चीज है जिसके वजह से मुझे मेरे वर्कआउट में एनर्जी मिलती है। और ये मील मैं अभी खाऊंगा और इसके बाद आधे या पौने घंटे के बाद मैं जाऊंगा जिम और मुझे मारना है बैक। सीन अभी ऐसा है, मैं चाहता तो था कि मैं सारी चीजें अच्छे से मैं शूट करूं, मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीजें मैं अच्छे से व्लॉग में बताऊं। मुझे ये भी चीज रियलाइज हुआ कि मैं सिंगल हैंडेड बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटाइज चीजें कुछ और है। समझ रहे हो कि मेरा फोकस जो है 100% फोकस मैं इस साइड देना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ से 10% कट करके यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे 1% की कमी रखूँ। ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है और ये मेरा ब्लॉगिंग है, तो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे 100% टच हो जाए, उसके बाद कुछ मेरे पास और भी चीजें हैं तो मैं यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स डालू। मैं ऐसा करने का ट्राई कर रहा था, बट वही है कि नहीं हो पाया, इसी में मेरा सब कुछ चला गया। सिर्फ 13 डेज बचे हैं जिसमें मेरा ये पूरा जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इतनी सारी चीजें बतानी है, इतनी सारी चीजें शेयर करनी है, मैंने जो जो चीज एक्सपीरियंस की है, जो जो चीज मैंने सीखी है ये पूरे ड्यूरेशन में। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने अभी तक इतने सालों में जो कुछ भी किया ना, उसका डबल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे इतने एक फेस में मिल गया है। तो समझ लो कितनी सारी चीजें मुझे ये फेस में लर्न करने को मिली है। मैं वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ, बट वो एक प्रॉपर टाइम मैं लेना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो सारी चीजें बताऊँ। और बैक वर्कआउट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो मैंने ये पूरे ड्यूरेशन में यूज की है, वो एक की चीज है, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो हम लोग जिम पे जाके बात करेंगे। अभी मील कंप्लीट करता हूँ और फिर वहां पे मिलते हैं। हेलो, चेक 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 आ रहा है ना आवाज। ऑलराइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग बैक वर्कआउट कर रहे हैं उसके पहले जो हमें करना है वो ये है कि हर एक के जिम में ये मशीन तो होगा ही, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि हम लोग पुलअप्स करते हैं 2 टाइप से, ठीक है, एक ये ग्रिप से और एक ये वाली ग्रिप से, ठीक है। अभी सीन कैसा है कि न्यूट्रल ग्रिप को लोग इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वो लोग ये ग्रिप को यूज करना ही बंद कर देते हैं, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि यही ओरिजिनल पुलअप है। तो लोग सिर्फ पुलअप और चिन अप पे फोकस करते हैं, ये ग्रिप को छोड़ देते हैं। वो चीज नहीं करना है तुम्हें, अपने बैक वर्कआउट के रूटीन के पहले इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देना है। उसका मेन पर्पस, मेन रीजन क्या है वो मैं आज बताने वाला हूँ कि हम लोग पुलअप्स करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये ग्रिप यूज करते हैं तब ऑब्वियसली हमारी बैक के लेट्स भी एंगेज होते हैं और हमारी अपर बैक ज्यादा एंगेज होती है इसमें, ठीक है। पर जब हम लोग ये ग्रिप यूज करते हैं तब हमारे सिर्फ और सिर्फ लेट्स पे ज्यादा फोकस हो जाता है, लेट्स ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। एज अ पुल अप वार्म अप करने वाले हो तो इसके साथ साथ तुम्हें न्यूट्रल ग्रिप पुल अप भी ऐड कर देने हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे लेट्स प्रॉपर एंगेज हो जाए और तुम जिस भी मसल ग्रुप की ट्रेनिंग करने वाले हो फर्स्ट, वो सीधा का सीधा तुम्हारा उस मसल पे अच्छे से हिट हो पाए, ठीक है। और करना क्या है कि तुम्हें यहाँ पे आने के बाद अपना ईगो छोड़ देना है, क्योंकि तुम यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव या फिर कोई वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम वार्म अप परफॉर्म कर रहे हो। वार्म अप को कभी भी ईगो के साथ कनेक्ट नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारे ईगो को छोड़ देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार
पुल अप नहीं हो रहे तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे कि यार पुल अप्स नहीं हो रहे इससे, तो वो लोग वो थोड़ा सा ईगो या फिर थोड़ा सा अपना वो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में पुल अप्स करना बंद कर देते हैं। बट वो ये चीज इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है तुम्हारे लैट्स को एंगेज करने के लिए कि अगर ये करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा बैक का वर्कआउट पूरा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से गर्म हो जाते हैं तुम्हारे लैट्स। ठीक है, मैं खुद मेरा वेट ड्रॉप हो गया है, मैं अच्छे से पुल अप कर पाता हूँ, इजीली कर पाता हूँ, बहुत सारे कर पाता हूँ, पर जब भी मुझे वार्म अप करना होता है मैं ऑलवेज इस चीज को यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है वो गोल रहता है मेरा कि मैं अपने लैट्स को फोकस करूँ, ना कि मैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करूँ खींचने में कि भाई मैं देखो अभी कैलिस्थेनिक वाला पावर भी आ गया मेरे, मैं वो नहीं करता। अच्छे से पकड़ लिया उसको, शांति से नीचे जाओ, स्ट्रेच करो अच्छा खासा, और फिर स्क्वीज यहाँ पे होल्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वापस से स्ट्रेच करो, स्क्वीज होल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैंड स्लो। ठीक है, ऐसे करीबन 10 से 15 12 जितने तुम अच्छे से काउंट लगा पाओ वो मारो, सेम चीज परफॉर्म करना है। ये नीचे गए, स्ट्रेच किया, अब कॉन्ट्रैक्ट, नीचे गए, स्ट्रेच किया, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमारी ये ग्रिप होती है तब हमारे लैट्स के साथ ये पूरा पार्ट भी ट्रेन होता है, पर जब हम लोग ये ग्रिप यूज करते हैं तब ज्यादा फोकस हमारे ये लैट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। तो ये जो थी वो इम्पोर्टेंट चीज थी जो आज मुझे बतानी थी। तुम्हारे जो वार्म अप कर रहे थे वो वार्म अप तो करने ही है, बस साथ में सिर्फ एक न्यूट्रल ग्रिप पुल अप्स भी ऐड कर देना, जिसके वजह से तुम्हारे लैट्स अच्छे से एंगेज हो जाए, और उसके बाद तुम अपने पहले सेट पे जाना। मैं अभी क्या करूंगा, हेडफोन ऑन करूंगा, मैं मेरा पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर दूंगा जिसमें मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, ये सिर्फ वीडियो में आप कंटिन्यू देखते रहना क्या क्या मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बस अभी आप देखो और लेट्स गो। घर पे आ चुके अभी, तो सबसे पहले ये है सिर्फ कार्ब्स और फाइबर, मतलब फाइबर जैसे मैंने बताया कि मैं फाइबर हर एक मील में ऐड कर देता हूँ, और फाइबर में कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पालक की ग्रेवी है, और ये राइस है 100 ग्राम और पालक की ग्रेवी है, तो बस एक ये चीज़ है जो पोस्ट वर्कआउट कार्ब मैं लेता हूँ। उसके बाद 2 स्कूप प्री वर्कआउट, 2 स्कूप वे प्रोटीन, 5 ग्राम क्रिएटिन, 2 नारियल पानी। शेकर में इसलिए क्योंकि जब भी मैं जिम जाता हूँ उसके पहले 2 नारियल पानी को खोल के इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको फ्रीज में डाल देता हूँ और ये एकदम ठंडा हो जाता है, तो पोस्ट वर्कआउट पीने में बहुत मज़ा आता है। तो बस आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर रखते हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेरे ये पूरी जर्नी के कुछ चंद दिनों के लिए। ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना अच्छे से वो सारी चीज़ों को मैं शूट कर पाऊँ, बाकी जो होगा वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस मैं इस चीज़ को कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये टास्क है मेरा, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और यहाँ तक देख लिया है तो फिर वो ऐसे चले मत जाओ, करके ही जाओ। ठीक है, वो चीज़ मुझे पुश करती है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।